भारत जो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, रैंकिंग में भी 87 से 80 पे चला गया है, मजीद मतलब ऊपर ऊपर से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या वजह आपको क्या लगती है? पड़ोस का ही कंट्री है, हम क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सीखते उनसे? आप नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं जितनी वो? मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता? अपनी हुकूमत के लिए काम, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। उसने बहुत ज़्यादा काम किया। आप तो ये क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना, वो वाला आप तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वेल डिवेलप्ड कंट्री है, उधर इस तरह का स्टेडियम नहीं। पर देखिए इंडिया में है, उन्होंने जो बनाया बहुत ही खूबसूरत शानदार स्टेडियम है, वो वहाँ पे मोदी देख लें 10 सालों से हुकूमत कर रहा है और वो डेवलप कंट्री हो गई है। पहले तो डेवलप में नहीं आ रही थी वो, ठीक, अब डेवलप कंट्री हो गई। रिसेंटली फ्रांस गया था, ठीक है, फ्रांस वाले ने उसको उस तरह सर पे उठाया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तानी कोई चले जाए तो उसको तो पूछते ही नहीं कोई, उनका सदर नहीं लेने आता पाकिस्तानियों को। और वहाँ पे इस तरह वो मिल जोड़ के जिस तरह एक ही कंट्री होती है, वो जो रियलिटी है हमारे बच्चों के अंदर हेट करना सिखाया, ठीक है। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू था कि मैं भारत के, हमारे बच्चे ने इंटरव्यू दिया है कि मैं जो बड़े होकर करूँगा भारत पे वो हमला कर दूंगा, ठीक है। हमारे बच्चों को हेट सिखाया जा रहा है, वहाँ भी ये चीज़ ही नहीं है। वो डेवलप कंट्री में है, उनके बच्चों को बहुत अच्छा बताया गया कि आपने क्या करना है, आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है, यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। कि हमें भी चांद पे जाना चाहिए, हमें भी स्पेस में कोई मिशन करना चाहिए, ये भारत ही ने क्यों जिम्मेदारी ली हुई है? हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमारे बच्चों का ज़हन ही कश्मीर की तरफ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। उनके ये ज़हन नहीं है, उनके आगे तरक्की करने वाले ज़हन है हमारे यहाँ पे कश्मीर में अड़े हुए हैं। और लद्दाख की जो बात करें, स्पोर्ट की रैंकिंग आई है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पहले ही वर्स्ट के अंदर मतलब जा रहा था, अभी मजीद वर्स्ट मतलब जो है वो रैंकिंग के अंदर आया है, जबकि हमारा पड़ोसी कंट्री जो है भारत वो 87 से 80th पे चला गया है। मतलब क्या वजह है कि वो लोग तो इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाई डे, वजह आपको क्या लगती है? असल में उनके लोग सिंसियर हैं मुल्क साथ, हमारे लोग नहीं सिंसियर मुल्क साथ। देखें यहाँ पे हर बंदा छोटे से यहाँ पे बैठे, यहाँ भी करप्शन हो रही है, इधर हर जगह करप्शन है। जहाँ पे करप्शन होगी तो, और ऊपर से हुक्मरान नहीं कोई अच्छा, ठीक, एक हुक्मरान जाता है दूसरा आ जाता है, वो भी करप्ट है, दूसरे भी करप्ट हैं, सारे करप्ट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मोदी देख लें 10 सालों से हुकूमत कर रहा है और वो डेवलप कंट्री हो गई है, पहले तो डेवलप में नहीं आ रही थी वो, ठीक, अब डेवलप कंट्री हो गई है। तो पाकिस्तान तो कभी नहीं हो सकता, कर्ज हमने हर जगह से लिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है, आप खुद हिसाब लगा लें, बाहर उनकी कंट्रीज में अगर किसी ने स्टडी के लिए बाहर अप्लाई करना हो, उनको पैसे दे रहे होते हैं, बैंक लोन दे रहे होते हैं 45 to 50 lakh, बच्चे को लोन मिल रहा है, और पाकिस्तान में बेचारे को 50,000 लोन नहीं मिलता स्टूडेंट को, वो बेचारा किस तरह जाए बाहर? या पाकिस्तान की ऐसे और नीचे जानी है, ये लास्ट पे चल जाएगी। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को हर कंट्री और इवन के इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो हैं वो अवार्ड से नवाज रही हैं, अपनी कंट्री में बुला रही हैं, इन्वाइट कर रही हैं उनको। यही तो रियलिटी, जो अपनी यूथ साथ सिंसियर हैं तो उन्हें तो हर जगह वो अप्रिशिएट करेंगे। देखें अब रिसेंटली फ्रांस गया था, ठीक है, फ्रांस वाले ने उसको उस तरह सर पे उठाया हुआ था, ठीक है। पाकिस्तानी कोई चले जाए तो उसको तो पूछते ही नहीं कोई, उनका सदर नहीं लेने आता पाकिस्तानियों को। और वहाँ पे इस तरह वो मिल जोड़ के जिस तरह एक ही कंट्री होती है वो लोग। वजह आपको क्या लगती है, वही नरेंद्र मोदी का जिक्र अगर पाकिस्तान में किया जाए तो इतना हेट क्यों देखने को मिलता है आम पब्लिक के अंदर? असल में जो रियलिटी है हमारे बच्चों के अंदर हेट करना सिखाया है, ठीक है। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू था कि मैं भारत के, हमारे बच्चे ने इंटरव्यू दिया है कि मैं जो बड़े होकर करूँगा भारत पे वो हमला कर दूंगा, ठीक है। हमारे बच्चों को हेट सिखाया जा रहा है, वहाँ भी ये चीज़ ही नहीं है। वो डेवलप कंट्री में है, उनके बच्चों को बहुत अच्छा बताया गया कि आपने क्या करना है, आपने अपने फ्यूचर में क्या करना है, यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। अभी चंद्रयान 3 मून मिशन उन्होंने किया है, मिशन हो गया, और उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने ज़मीन इतनी तंग कर दी है कि अब उनको चांद पर जाना पड़ रहा है। इनके पास बयान ही ये रह जाएंगे, ठीक है। इन्होंने ऐसा ऐसा और इस तरह के और बड़े बयान देने हैं क्योंकि कार्य नहीं कुछ सकते। कितनी हकीकत पसंद स्टेटमेंट है कि हमने ज़मीन उनके लिए इतनी तंग कर दिया कि वो चांद पे जा रहे हैं, ये बस अपनी निगलेंसी छुपा रहे हैं, ठीक है, जो इन्होंने किया अपनी हुकूमत में भी किया। ये कहते हैं हुकूमत अच्छी है, वो हुकूमत भी नहीं अच्छी थी, तरीके इंसाफ भी हुकूमत कोई अच्छी नहीं थी, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ नून लीग थी फिर, जो थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री बना आ गया, ठीक है, तरीके इंसाफ ने तो वो भी नहीं किया। क्यों नहीं मतलब सोच रहे कि हमें भी चांद पे जाना चाहिए, हमें भी स्पेस में कोई मिशन करना चाहिए, ये भारत ही ने क्यों जिम्मेदारी ली हुई है? हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमारे बच्चों का ज़हन ही कश्मीर की तरफ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। उनके ये ज़हन नहीं है, उनके आगे तरक्की करने वाले ज़हन है, हमारे यहाँ पे कश्मीर में अड़े हुए हैं, ठीक है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, मुसलमान भाई हैं, पर इस तरह तो नहीं है। अपने आगे भी देखे, अपने फ्यूचर को देखे, बच्चे क्या कर रहे हैं। जो हालात अभी जा रहे हैं आपको लग रहा है कश्मीर हम ले लेंगे आजकल? नहीं, ये कश्मीर तो प्रोपोगंडा है जान के बनाया हुआ है, पाकिस्तान को तो पैसा मिल रहा है और इन्हें क्या चाहिए।
ये बहुत मुश्किल है। कश्मीर, कश्मीर है भी नहीं पाकिस्तान का हिस्सा, ये पहले ही उनका था, ठीक है। हाँ हमने ज़िद लगाई है पैसों के लिए ज़िद लगाई है। चलें ठीक है, अगर कश्मीर हमारे मुसलमान भाई हैं वो कोशिश करते हैं, हम भी उनकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पर वो देखो अपने हालात भी तो भाई, अब देखो ना कश्मीर, आपने हर बच्चे के जहन में कश्मीर कश्मीर डाला हुआ है, ठीक है। इस तरह नहीं चलता काम भाई, अपने ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। ये हुकूमतें तो जान के कर रही हैं जो भी कर रही हैं, ठीक है। कश्मीर हमारे भाई हैं, सब कुछ है, ठीक है। वो खुद चाहते हैं हम आए, ठीक है। कश्मीर वाले भी हमें अपना भाई कहते हैं? कश्मीर वाले कम लोग कहते हैं, अगर हम उधर से रियलिटी देखें, उनकी इंटरव्यूज़ देखें तो कश्मीर वहाँ पे बहुत खुश हैं वो लोग, ठीक है। पर अगर हम यहाँ से रियलिटी देखें तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने आना है कश्मीर में। ये अंदर अभी डू और डाई वाला सिस्टम है, क्या सिस्टम चल रहा है समझ नहीं आ रही। एक लद्दाख नाम से भी जगह है जो इंडिया और चाइना का जिसपे कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह कश्मीर का पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर है, लेकिन उनकी ट्रेड मुतासर नहीं होती। हमारी ट्रेड कश्मीर के नाम पर हो ही नहीं रही। असल में उनकी ट्रेड मुतासर किस तरह हो, ठीक है। उन्होंने पीछे उनकी आर्मी ने जो काम करना है, यहाँ पे कश्मीर का मसला आता है, तीन तीन दिन धरने देने लग जाते हैं, ठीक है। लोग बेचारे काम घरों से नहीं निकल सकते, काम उन्होंने क्या करना है। असल में ये जो मेन वजह है, ये अगर देखा जाए तो मुल्क चलाने वाले लीडर और हुक्मरान होते हैं, ठीक है, और यही मुल्क को सर बुलंदी की तरफ लेके जाते हैं और यही पस्ती की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हुक्मरानों ने हमारे पाकिस्तान को एक दलदल में धकेल दिया और मज़ीद पाकिस्तान एक दिन ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, कि तबाही के दाने पे ही खड़ा है बिल्कुल, ठीक है। और अगर ये हुक्मरान ऐसे ही आपस में सियासी अपनी तलखियों की वजह से लड़ते रहेंगे तो मज़ीद पाकिस्तान का नुकसान होगा। अगर वॉस्ट है तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा पाकिस्तान का दुनिया से निशान। ये जो आर्मी है या जो ये डॉक्टर कदीर ने इनको आइटम बम दे दिया, उसकी वजह से ये अभी तक बचे हुए हैं, नहीं तो कब के ये ख़त्म हो जाते। सर ये जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बनाया है, इसको बचाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, ये सदा कायम रहेगा, कभी नहीं टूटेगा, मतलब ये भी तो कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस तरह की स्टेटमेंट्स भी तो देते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट तो ठीक है, मगर अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि मैं उस कौम को साथ देता हूँ जो अपनी मदद खुद करती है, ठीक है। जो खुद को खुद ही जलील करना चाहती है, अल्लाह उसका साथ कैसे देगा, ठीक है। और अगर रही बात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह की ज़ात, अगर दुनिया की कोई भी सुपर पावर है ना, अल्लाह की ज़ात से बढ़कर नहीं है। वाकई ये बात मानी जा सकती है कि अल्लाह की मदद से ही अभी तक पाकिस्तान बचा हुआ है। लेकिन कहा जाता है कि कभी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में 1971 को देखें तो बांग्लादेश हम ही से अलग हुआ है, वो टूटा था तो अलग हुआ ना। जी जी, और वो देखें ना वो किस वजह से टूटा, वो यही सियासी जो लीडर हैं, इन्होंने अपने कुछ पैसों के लिए, और कुछ लोग हैं जो मज़ीद ना अपनी प्रायोरिटी के लिए। क्या लगता है कि भारत जो डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है, रैंकिंग में भी 87 से 80 पे चला गया है, मज़ीद मतलब ऊपर से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या वजह आपको क्या लगती है? पड़ोस का ही कंट्री है, हम क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सीखते उनसे? उनसे देखें ना, जो है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो हर मुल्क के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात कायम कर रही है, उनके साथ ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है। ऊपर से इंडियन मज़ीद उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, उसका वो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और उसे इस तरह यूज़ करते हैं कि मज़ीद वो तरक्की की तरफ जाएं। और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अगर ये डॉलर मिले हैं तो अल्लाह के हुक्म से ये $1 मिलियन जो मिले हैं ये तो इलेक्शन पे ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आवाम के पास क्या बचा? जो नई हुकूमत आएगी वो फिर $1 मिलियन यूज़ करेगी, ठीक है। तो आवाम को ये होगा कुछ वक्त के लिए कि पेट्रोल सस्ता हो गया, थोड़ी सी बिजली सस्ती हो गई, लो जी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जब वो $1 मिलियन ख़त्म हुआ, आवाम फिर तबाही। ऐसे मसले मसाइल भारत में नहीं है? भारत में ऐसे मसले मसाइल देखें ना, भारत की पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 अरब है, हमसे 5 टाइम ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज उन्होंने, काफ़ी मसले उनके लिए हुए हैं, मगर वो आस्ता आस्ता स्टेबल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट लेके स्कूल के चपड़ासी तक ना कोई भी काम है आपको 500 रुपये में हो जाएगा चपड़ासी के पास, और अगर बड़े लेवल पे काम है वो 1 लाख रुपये। इन्होंने ना पैसों को सिर्फ ज़िंदगी बना रखा है, इसलिए पाकिस्तान जलील हो रहा है। आपको लगता है नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट वहाँ पे है वो अपनी आवाम के साथ लॉयल है? जी बिल्कुल लॉयल है, तो इसी वजह से वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अगर लॉयल ना होते तो मज़ीद वो भी
जलील ही होते जैसे पाकिस्तान हो रहा है। क्यों नहीं कर लेते ट्रेड हम लोग, मतलब अगर इतना ही फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है, प्याज घूम घूम के आ रही है, इतना ज़्यादा रेट ऊपर जा रहा है, अगर साथ वाघा बॉर्डर खोल दे वहाँ से अगर आ जाए सस्ती आवाम को बंदे का फ़ायदा होगा, ये क्यों नहीं सोच लेते हमारी हुक्मरान के आम आवाम का फ़ायदा हो। बात असल में ये है कि अगर ये ट्रेड शुरू कर दें, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे कायम करें, तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। और लद्दाख की जो बात करें, चाइना वालों ने इंडिया वालों को थप्पड़ मारा है कि इस तरह हम लोग ट्रेड कर सकते हैं तुम लोगों के साथ, और वो मायशियत बहुत ऊपर है, चाइना और इंडिया का भी मुकाबला नहीं हो सकता। और चाइना ने उन्हें सबक भी सिखाया कि अभी भी तुम नीचे और नीचे हो, पर पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला नहीं है, इंडिया बहुत ऊपर है हमारे से। तो पाकिस्तान अभी इस पोजिशन में नहीं आ कि सबक सिखाए, कभी कभी अभी ये 10 साल भी अगर मेहनत करें तब भी उस पोजीशन में नहीं आ सकते। ये जो आम आवाम में जलसे तकरीरों के दरमियान कहा जाता है कि 5 मिनट के लिए अगर बॉर्डर खोल दें तो देखें फिर पाकिस्तान का झंडा हम वहाँ पे लहरा देंगे, कितनी हकीकत पसंद ये बात है। ये तो बस जिसे कहते हैं ना बच्चों के जज्बात ही उठा रहे होते हैं, हकीकत पसंद बात नहीं, अंदर से रियलिटी कुछ और है, रियलिटी बहुत ही ऊपर है। ठीक है, इंडिया तो आपको अपना मुकाबला समझते ही नहीं, इंडिया तो अब चाइना को आपका मुकाबला समझ रहा है, अपना मुकाबला समझ रहा है, वो तो हमें कुछ समझते ही नहीं। ठीक है, वो अब ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं, अमेरिका आधे से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो रन कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा अमेरिका इंडियन रन कर रहे हैं, ये कनाडा आधे से ज़्यादा इंडियन रहते हैं। ठीक है, अमेरिका का वो इंग्लैंड का अब देख लो खुद ही सदर, ठीक वो इंडियन है, ठीक है, तो आप खुद अब हिसाब लगाएंगे इंडिया का वहाँ पर चलेगा पाकिस्तान का वहाँ पर चलेगा, तो अब देखते हैं जो अल्लाह बेहतर करे। हमारे लिए बता दें लास्ट पे के हालात में बेहतरी किस तरह आएगी, मतलब किस तरीके से हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। हालात को बेहतर ये हलाल ज़ादों की तरह काम करो सारे, ठीक है, हुकूमत हलाल ज़ादों की तरह काम करे। असल में एक देखे ना ऑफिसर है, कहता है मैंने रिश्वत नहीं लेनी, साथ वाला ऑफिसर रिश्वत ले कि उसने लैंड क्रूजर रखी हुई है, दूसरे वाले पास 1-5 जो हलाल का काम कर रहा है उसके तो दिल में आना ना कि यार मैं भी रिश्वत लूँ, मैं क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, ये देखा देखी आगे जाया जा रहा है काम, लोगों के फिर भी ईमान है पर ये लोग जान के ख़राब कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी को लीडर मानते हैं जितनी हो? मैं मानता हूँ उन्हें लीडर, क्यों नहीं मानता, अपनी हुकूमत के लिए काम, वो अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, उसने बहुत ज़्यादा काम किया। आप तो ये क्रिकेट का स्टेडियम देख लेना वो वाला, आप तो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना खूबसूरत स्टेडियम बना दिया। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का स्टेडियम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वेल डिवेलप्ड कंट्री है, उधर इस तरह का स्टेडियम नहीं, पर देखिए इंडिया में है, उन्होंने जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत शानदार स्टेडियम है। ट्रेड वैसे कितना ज़रूरी है भारत के साथ मौजूदा टाइम के अंदर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, अगर कुछ करना चाह रहे हो तो, अगर नहीं करना चाह रहे तो अल्लाह के हुक्म से अभी भी गरीब आवाम रो रही है, हमारे जैसे हो रोएंगे, 75 साल से पाकिस्तान रो ही रहा है, तो हमने आहिस्ता हो रोना है, हमने नहीं, वहाँ पर लीडर है, वहाँ पर लीडरशिप है। रिसेंटली एक बयान देख रहा था, वो रिपोर्टर था एक, वो अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक लड़का ना पाकिस्तानी मेजर का बेटा था, ठीक है, उसने उससे पूछा कि इंडियन था वो बंदा, कहता भाई जान आप किसके बेटे हैं, आप झंडे हो क्या करते हैं पाकिस्तान में, तो उसने कहा मेरे वालिद मेजर हैं। आगे से वो बंदा इंडियन था, कहता उसे जवाब दे, कहता है हमारे वहाँ पर ना मेजर के वो बेचारा अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को पढ़ा ले वो ही बड़ी बड़ी बात है, ठीक है, इस तरह के हालात हैं, और आप अपने मेजर को देख ले कहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में, आपके सामने है। फ्यूचर में हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? फ्यूचर में नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो ये कर्ज़ा और कहीं से मिल जाए शायद। मुस्तकबिल क्या है मुल्क का? कोई मुस्तकबिल नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि कोई और ही सिस्टम ना पड़ जाए। 7.5 लाख पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन हुए थे, अब 8-9 लाख हो चुके हैं, अगर इसी तरह पढ़ा लिखा स्किल्ड वर्कर जाता रहा तो फिर मुल्क की भाग दौड़ कौन संभालेगा? आप खुद अंदाज़ा लगा लें, कोई MSc करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, वो सबसे पहले कहता है मैंने बाहर जाना, ठीक, तो जब सारे स्किल्ड आदमी बाहर जाएंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान का तो फ्यूचर नहीं रहेगा ना। ठीक है, शुक्र करें ये जो थोड़ा सा मुल्क चल रहा है ये चली जा रहा है, अल्लाह का करम है, कोई जिस नाम से बना है इसी वजह से चली जा रहा है, नहीं तो बहुत बुरे हालात हैं हमारे। एनी लास्ट मैसेज फ्राम योर बिहाफ ये कह सकते हैं कि अपने मुल्क साथ कोई सिंसियरिटी दिखाएँ भाई, ठीक है, और कोई हालात